हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको धातुएं और उनके यौगिक से संबंधित कल जो है आपको 63 क्वेश्चन और उसके आंसर बताए थे। आज हम आपको 64 से पुनः स्टार्ट करते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन से। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो वो पार्ट वन था, ये पार्ट टू होगा। क्या होगा? पार्ट टू होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये भाग दो होगा। तो चलिए हम 64 से स्टार्ट करते हैं कि जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आंसर है निकेल। क्या मिलाई जाती है? निकेल। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए लौह के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम लाई जाती है, CR जिसको बोलते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। प्रत्यास्थ मतलब होता है जिसको पीटा जाए, ब्लास्टी। गैल्वनीकृत लोहे पर जिंक का लेप लगाया जाता है। आगे है, आयस को जंग से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन जो है नहीं है, अनिलन। आगे है, किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए भाग से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हर थोथा या हरा किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो फेरस सल्फेट। आगे देखिए, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का। पेयजल में कापर अधिकतम अनुमत सांद्रण mg मिलीग्राम प्रति लीटर में है? तो आंसर उसका क्या है? 2 है, उसका आंसर 2। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो वह धातु है तांबा। आगे देखिए, कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी अभय घटक के रूप में विद्यमान रहती है? तो वह है तांबा। कैलोरी मीटर बनाया जाता है तांबा से। कैलोरी मीटर जो बनाया जाता है वो तांबा से बनाया जाता है। अगला है, तड़िक चालक निर्मित होता है तांबा से। कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तांबा। कौन सा विद्युत का अचालक होता है? कॉपर। कॉपर माने भी तांबा होता है। सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि कौन सी बीमारी होती है? तो विल्सन बीमारी। कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। आगे देखिए, तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। नीला कसीम का रासायनिक नाम है काप सल्फेट टेट्राहाइड्राइड, मतलब कापर सल्फेट। नीलत होता है कापर सल्फेट, नीलत होता को कापर सल्फेट बोलते हैं। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कापर सल्फेट। जस्ता धातु को मुख्यतः किस से निकाला जाता है? जिंक ब्लड में। राजस्थान स्थिर जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है जस्ता के लिए। अगला है 90 नंबर पर, देखिए, धातुओं पर किसकी परत चढ़ाने पर गैल्वेनाइजिंग कहते हैं? जस्ता की। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते के परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो यह सैदी करण कहते हैं। आगे देखिए, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो जस्ता कमी। कौन सा एक धातु है? तो जिंक। आगे देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का। कृतकनसी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का। आगे देखिए, रंग रगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है वह है जिंक है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस आवेश से किया जाता है? तो आर्जेनाइट से। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी। आगे देखिए, नीला कसीम का रासायनिक नाम है काप सल्फेट टेट्राहाइड्रेट। 102 नंबर पर देखिए, चांदी की बर्तन कुछ समय के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बने जाने के कारण। हार्न सिल्वर क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड को हम हार्न सिल्वर बोलते हैं, AgCl। आगे, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखते हैं? तो वह यह सूर्य के प्रकाश को अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफिक में है सिल्वर ब्रोमाइड। 107 नंबर, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड।
कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। आगे देखिए, सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने का योग्य धातु कौन सी है? सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। धातुओं में किसके अमलगम कहते हैं? पारा जस्ता। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? अम्लराज में। अम्लराज आप जानते हैं क्या है? अम्लराज हमारा यच और सीएल। आगे, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा। होलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों में लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण में। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पायराइट्स को। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, जैसा आप जानते हैं। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? 75। पारा निकाला जाता है सिनेबार से। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तो पारा के कारण। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है पारा। कौन समान ताप पर द्रव है? पारा। धातुओं में किससे अमलगम कहते हैं? तो पारा जस्ता को। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है पारा। 114। देखिए, पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। देखिए 125 नंबर पे, 125 नंबर पे, समान ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। अब 126 नंबर पे हम आपको कल बताएंगे।